उत्तर प्रदेश में जल्द ही 35 नए एमसीएस विंग का गठन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम द्वारा इन्हें चलाने के लिए संविदा पर डॉक्टर व कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि लगभग 1,750 डॉक्टर व कर्मचारियों की यहाँ भर्ती होगी। प्रदेश में हर साल 55 लाख शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को बेहतर उपचार दिलाने के लिए बैंक स्थापित की जा रही है। इससे महिला चिकित्सालयों में रोगियों को कम परेशानी होगी और उनका दबाव भी कम होगा और समय पर उन्हें अच्छा इलाज भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। नए 35 एमसीएस विंग स्थापित कर बेहतर इलाज की सुविधाएं यहां देने की पूरी तैयारी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनका। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में अब एक नई क्रांति आने वाली है। उत्तर प्रदेश के 35 महिला चिकित्सालय जल्द ही एमसीएस विंग यानी कि एमसीएस विंग की स्थापना होने वाली है। 35 नए एमसीएस विंग की स्थापना होने वाली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस विंग की स्थापना की जानी है और इसमें अभी जो चिकित्सकों की मौजूदगी है उसके अलावा लगभग 1,750 चिकित्सकों की नियुक्ति भी होनी है। संविदा पर ये नियुक्ति होगी। इसमें महिला चिकित्सा अधिकारी रहेंगे, शिशु रोग विशेषज्ञ रहेंगे, महिला रोग विशेषज्ञ रहेंगे, प्रसूता रोग विशेषज्ञ रहेंगे, एनेस्थीसिया मतलब हर चीज़ के अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें रहेंगे। मेडिकल स्टाफ रहेगा, स्टाफ नर्सेज रहेंगी, यानी कि आप जो है चिकित्सालय होंगे, यानी कि जो एमसीएस विंग जो स्थापित होगी उसमें अब शिशुओं को माताओं को एक बेहतर सुविधा मिलने वाली है। हम सच कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थापित होने वाली ये विंग जल्द ही अपने काम पर लग जाएगी और इसको लेकर सूबे की ओर से जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहाँ से हरी झंडी दी जा चुकी है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में महिला और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो हाईटेक होने वाली है। बस आपको बता दें लगभग हर साल 55 लाख शिशुओं का जन्म होता है उत्तर प्रदेश में, तो 55 लाख शिशुओं को वो बेहतर सुविधाएं कभी कभी एक जगह पर नहीं मिल पाती हैं। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए सूबे की सरकार ने अब ये डिसीजन लिया है कि एक ही छत के नीचे वो सारी व्यवस्थाएँ, वो सारी सुविधाएँ माताओं और उनकी शिशुओं को मिलने वाली हैं जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट है। यानी कभी कभी होता क्या था कि क्रिटिकल पोजिशन में आने पर बच्चों को या उनकी माताओं को उच्च संस्थान रेफर किया जाता तो रास्ते में वो दम तोड़ देते, यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में उनको दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है क्योंकि अब एमसीएस विंग की स्थापना होने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर और हाईटेक होने वाली है। ये देवेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के लिए आगे भी बने रहिए न्यूज वीके के साथ। नमस्कार। स्टॉप करो और कोई खबर है?